हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रिक ऑर्गन इनवर्टिब्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर किया था ऑर्गन ऑफ टेस्ट, गैस्ट्रिक ऑर्गन जो है उसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया। जैसे कि आप बैकग्राउंड में पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, इस तरह का एक जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनसे जो सेंस कर सकते हैं टेस्ट का। ठीक है, तो गैस्ट्रेटरी ऑर्गन जब हम कंपेयर करते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो ये देखा जा रहा है कि सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर नियरली जो है यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वही वहाँ पर क्लस्टर ऑफ न्यूरो सेंसरी सेल होते हैं, उनके साथ जो है स्पोर्टिंग सेल होते हैं। ठीक है, और ये आपस में मिलकर आप देखेंगे एक बैरल शेप स्ट्रक्चर जो है वो कंस्टिट्यूट कर देते हैं, एक बैरल शेप स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। और ये एम्बेडेड होता है इन स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, जो ये एपिथीलियल सेल है आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एपिथीलियल सेल है। ये बैरल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पर ये टेस्ट रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है, और ये इसके साथ ये कुछ बेसल सेल हैं, कुछ स्पोर्टिंग सेल जो हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कॉमन सा यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है टेस्ट वर्ड सिर्फ टेस्टिंग का काम नहीं करते, टेस्टिंग ऑफ सब्सटेंस में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो जो भी फेरिंग्स में फूड आता है उसको टेस्ट टेस्ट करने के साथ साथ टेस्ट भी करते हैं, जिसके कारण रिफ्लेक्सेस आते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनको एयर पैसेज में एंट्री से रोक पाते हैं। साइक्लोस्टोम के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, अगर लार्वा लैम्प्रेस को देखते हैं तो उनके अंदर जो ये पेपिलीज लोकेटेड होती हैं, जो फर्स्ट सिक्स पेयर ऑफ गिल आर्चेज, अगर तुम्हें ध्यान हो लैम्प्रे के अंदर सिक्स पेयर ऑफ गिल्स आर्चेज होती हैं, उसके बाद ये रिड्यूस होती चली जाती हैं। तो उन गिल आर्चेज के ऊपर जो है ये पेपिली प्रेजेंट होते हैं और ये डायरेक्टली वाटर करंट को फेस करते हैं, और जिसके कारण वो टेस्ट कर पाते हैं वाटर के टेस्ट को। ठीक है, इसके जो अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इनके टेस्ट जो पैपिली हैं तो वो दो तरह के सेल से बने हुए होते हैं। एक आप देखिए लोंग, जो ये ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये लोंग बाइसिलिएटेड टेस्ट रिसेप्टर हैं, और जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं ये सब टेंटिकुलर या स्पोर्टिंग सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड जो है वो कुछ इनके साथ जो है बेस के ऊपर ये प्रोलिफिकेटिंग सेल आपको ये दिख रहे हैं, ये प्रोलिफिकेट जो लगातार प्रोलिफिकेट करते रहते हैं, ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ जो है एफरेंट गैस्ट्रेटरी फाइबर्स होते हैं, ये देखिए ये फाइबर्स हैं जो कि ग्लोसोफेरेंजियल और वेजल नर्व के फाइबर्स होते हैं, जो कि इन टेस्ट बर्ड्स को इनर्वेट कर जाते हैं सिर्फ बेसल सरफेस पर। आप देखिए पूरे बॉडी को नहीं कवर कर रहे हैं, ये सिर्फ बेस के ऊपर जो है टेंटिकल जो फाइबर्स हैं ये इनर्वेट करते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल प्रोसेस होता है वो चाहे वो गैसोफ्रेंजियल हो चाहे वेगस क्रेनियल नर्व्स हो, वो टर्मिनेट होते हैं इनटू कोडल, यहाँ पर रोम्बोफेरेंजियल जो रैम्बोसेफेलिक रीजन जो होता है ब्रेन के अंदर, वहां पर आकर ये टर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्ट बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं आपको।
जो है ये टेस्ट बर्ड्स हैं और इनके साथ ये फाइबर्स हैं और ये ब्रेन के अंदर जो है इनका कनेक्शन जुड़ा होता है। ये गिल फिलामेंट्स हैं, गिल आर्चीज हैं, उनके ऊपर ये टेस्ट बर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिशेस के अंदर टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो ज्यादातर फिश की लिप के ऊपर, माउथ की रूफ के ऊपर, गिल आर्चिस के ऊपर, बार्बल्स के ऊपर और टंग के ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर इनमें भी आप देखेंगे जो बोनी फिशेज होते हैं उनके टेस्ट बर्ड जो हैं वो हेड के सरफेस पर होते हैं, बक्कल कैविटी की लाइनिंग में होते हैं, फेरिंग्स में होते हैं, लंग्स में होते हैं। तो डिफरेंट रीजन के अंदर जो है वो टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं। कुछ एक फिशेज ऐसी होती है जिनके टेस्ट बर्ड जो है उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्केललेस फिश है, कैट फिश है, उनके टेस्ट बर्ड जो है ये वाले जो पिक्चर देख रहे हैं इस तरह से डिफरेंट पूरी बॉडी के ऊपर जो है ये टेस्ट बर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कार्प के अंदर जो है टेस्ट बर्ड जो है हेड रीजन के ऊपर जो है स्कैटर्ड होते हैं और कुछ में ये बार्बल्स आपको दिख रहे हैं, इनके बार्बल्स के ऊपर भी या उनके फिन्स के ऊपर जो है टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, वही यहाँ पर ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल है और इसके साथ ये स्पोर्टिंग सेल जो है प्रेजेंट होते हैं फिशेस के अंदर। तो कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, इनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। एम्फीबियन और रेप्टाइल की बात करें तो एम्फीबियन के अंदर टेस्ट बर्ड जो है वो माउथ की रूफ पर ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं या टंग या म्यूकोसा दैट लाइन द जो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल के अंदर जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो फेरेंजियल रीजन, फेरेंक्स के अंदर जो है वहां पर ये जो टंग है इस रीजन के अंदर जो है वो टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर टेस्ट बर्ड जो होते हैं नहीं होते बर्ड्स की टंग के ऊपर, लेकिन जो माउथ की लाइनिंग है, फेरिंग्स है, वहां पर टेस्ट बर्ड जो है बर्ड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो रूफ के ऊपर या फ्लोर ऑफ माउथ पे प्रेजेंट होते हैं या टंग के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स के अंदर हमने देखा वहां पर वेरियस जो काइंड के पेपिली जो है टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट को जो है वो चेक करते हैं। इसके अलावा कुछ जो मैमलियन के टेस्ट बर्ड जो हमने बताया टंग के ऊपर होते हैं, लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी में भी देखने को मिलते हैं, फेरिंग्स के अंदर, सॉफ्ट पैलेट के अंदर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लोटिस जो है वहां पर मिलते हैं, इवन वोकल कॉर्ड के अंदर भी टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो फोर टाइप ऑफ पेपली टंग के ऊपर हम देखे हैं जिसको फिलीफॉर्म जो है या फंजीफॉर्म है या फोलिएट है या सर्कमवेलेट टाइप ऑफ पेपली जो है वो प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट बर्ड जो है वो एसोसिएटेड होती हैं पेपली के साथ, सिर्फ जो फिलीफॉर्म पेपली को छोड़कर बाकी सभी पेपली के साथ जो है टेस्ट बर्ड जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। बर्ड्स के अंदर आप यहाँ देखेंगे तो इनकी बीक के यहाँ बेस पर जो है वो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, बाकी ज्यादा टेस्ट बर्ड जो है बर्ड्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये था गैस्ट्रेटरी ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ टेस्ट इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। थैंक यू।